उत्तरकाशी जहां सीमांत जनपद अपनी लोक वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है, बता दें यहां एक ऐसा त्यौहार होता है जहां दूध गुड्डू मेला, मिल्क फेस्टिवल, गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर मनाते हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फल और फूल लेकर इस स्थान पर जाकर अपने परिवार और खेती व पशुओं की खुशहाली के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हूण देवता से खुशहाली की कामना करते हैं। उत्तराखंड में भादों का पहला दिन मनाया जाता है। वहीं अब स्थानीय ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को सरकार की सहायता से आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकारी मदद मिले तो यह मेला बेहतर हो सकता है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। नागराज देवता का मंदिर है और ये मेरे बगल में जो ये हूण देवता का मंदिर है, ये मंदिर हमारे पूर्वजों के जमाने से चल के आ रहे हैं और यहाँ पे ये दूध गाड़ो नाम से जो है आज इस संक्रांत के दिन, जिस दिन श्रावण खत्म होता है और भाद्रपद शुरू होता है, तो ये संक्रांत के दिन जो है इस दिन यहाँ ये मनाया जाता है। तो इस मेले का बहुत बड़ा हुआ है। तो पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे। तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना, अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे। सबसे पहले तो मैं सब समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के, जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये बटर फेस्टिवल उत्सव जो गढ़वाली में हम दूध गाड़ू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गाँव के लोग अपने दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं, ताकि हमारी संपूर्ण ये जो गाँव की संस्कृति है वो जीवित रहे। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि